Good morning to all of you. I am your computer maths teacher, Mr. Manoj Sir. This is your book, Maths Files. Today I am going to start your exercise unit 2, exercise 2.2. Standard and usual. What are usual and standard form? Basically, if you see this form, power key form 1, 2, 3, 4, 5, 5.0 to 10 to the power of 5. ये हमारे पास कैसी फॉर्म है स्टैंडर्ड और पावर्स की फॉर्म को वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ये हमारे पास कैसी फॉर्म है यूज किसी चीज को पावर की फॉर्म में लिखना हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है और किसी पावर की फॉर्म को स्टैंडर्ड यूजर फॉर्म में लिखना ये हमारे पास यूजर फॉर्म है तो बेसिकली इसमें कुछ क्वेश्चन से जरा हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को बनकर ये मान लो करते हैं हमारे पास 0.00088 पॉइंट जो है हमारे पास लेफ्ट से राइट हो जाता है लेफ्ट से राइट तो पावर आएगी माइनस इसके बेसिकली टू रूल्स हमारे पास पहला रूल ये है कुछ जब भी हम पॉइंट लगाएंगे वो फर्स्ट डिजिट छोड़कर लगाएंगे ठीक दूसरा जो रूल्स है वो ये कहता है कि अगर पॉइंट लेफ्ट से राइट जाता है तो पावर माइनस में आएगी और राइट टू लेफ्ट जाता है तो पावर प्लस में आएगी तो इसमें डिजिट हमारे पास ये है पहले डिजिट छोड़ दो और अगर हमारे पास प्लस में है एक क्वेश्चन प्लस वाला देख लेते हैं ये एक क्वेश्चन हमारे पास बी वाला था 0.000004 जैसे कि हमारे पास 4 इनटू 4 के बाद पॉइंट तो 4 के बाद पॉइंट यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10 टू द पावर माइनस तो ये हमारे पास कैसे फॉर्म से ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा उसमें पॉइंट के बाद हमारा पॉइंट आगे जाता है डिवाइड में जो 10 है वो डिवाइड में डिवाइड में है तो पॉइंट आगे जाता है और मल्टीप्लाई में तो पॉइंट पीछे हटता है लेफ्ट जाता है राइट ठीक है डिवाइड में है तो पॉइंट लेफ्ट जाएगा और मल्टीप्लाई में तो पॉइंट राइट जाएगा तो यहां पर 0 से 1 0 का 0 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 1 का इस तरह से पॉइंट आएगा एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें आपको 2 इनटू 10 टू द पावर माइनस
Thank you.